वेलकम टू कंपटीशन। अब आज एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ मैं आपको। वो कॉल रिकॉर्डिंग है पर्टिकुलर एमटीएस के एग्ज़ाम के बाद फाइनल जॉइनिंग के लिए लेकर। जिस तरीके से आपको मैं बताता आता हूँ, हमेशा अपडेट करता हूँ कि किस तरीके से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, ये जो करप्शन का धंधा है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। डिमोटिवेट करने वाली आपको बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ सच है कि जो मेहनत करता है उसे उसका आउटपुट बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकॉर्डिंग सुनने से पहले एक अपडेट देता हूँ मैं आपको। कंपटीशन हब अब इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ जुड़ चुका है, और आप लोग हमारी वीडियो देखने के लिए, स्पेशली करंट अफेयर्स की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, और उसमें आपके एक कोर्स पूरा का पूरा स्टार्ट कर दिया है, तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक को आपको कहाँ से देखना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी वीडियो की, यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिएगा आप इस पर्टिकुलर लिंक पे, आपको पहले ही मिल जाएगी लिंक। क्लिक जैसे ही करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आपको जो करंट अफेयर्स की आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारे के सारे, डेली आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं, और यदि आपको करंट अफेयर्स पता भी है तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं और किस तरीके से उस क्वेश्चन को कनेक्ट किया है कि आपको और भी क्वेश्चन के आपके आंसर कवर हो जाएँ। तो यदि आप पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल करना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉल रिकॉर्डिंग की, सुनाता हूँ मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग। भेजना है उसी के अभी कम भेजना है, और लूजर आप लोगों का 1500 से 2000 आ चुका है, तो हमें कुछ हाल लीजिए, कुछ लोगों का आप लोगों का यहाँ पे रोकना पड़ेगा, पेंडिंग में डालना पड़ेगा। तो पेंडिंग में सर, तो फिर हमारा पेंडिंग में सर क्यों पड़ेगा, मतलब हमारा तो क्लियर है ना सब कुछ। सब कुछ क्लियर है, हाँ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, सिर्फ रीव जैसे देखिए बहाने की री वेरिफिकेशन डाल देंगे, कर्मचारी का क्या वेरिफिकेशन डाल देंगे, पीछे से आपका फिर एसेंशन लेटर चेक होगा, मेडिकल चेक होगा, ये आपका कैरेक्टर चेक होगा, क्रेडिट सर्टिफिकेट चेक होगा। तो इसमें हम लोगों का क्या है, जो भी जिन्हें जिनका पहले आया है लूजियर, तो उनका पहले चीज भेज देंगे, जैसे कि जो इंटरनली डायरेक्टली जो हम लोगों का जो सीनियर ऑफिसर का है डायरेक्टली सभी लड़कों से कॉन्टेक्ट, जिनके पास फोन जा रहा है, जो इंटरनली कुछ हेल्प खर्च कर रहे हैं, तो उनका पहले दे जाता है। मैं सब शब्दों में तो बता रहा हूँ, तो वो जो खर्च होगा वहाँ आके मुझे करना पड़ेगा। हाँ, आज के रेट में अगर आप करवा देते हो तो मैं 15 दिन के अंदर आपको ट्रेनिंग नहीं देता। नहीं जैसे सर वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ आके पैसा देना पड़ेगा कि मतलब कैसे क्या सिस्टम है। नहीं नहीं, अकाउंट नंबर दे देंगे, जयंत जी का अकाउंट नंबर दे दिया। तो ये जो अकाउंट नंबर रहेगा किसका अकाउंट नंबर रहेगा, वो आपका मेरा ही रहेगा पर्सनली, मैं अपना खुद का अकाउंट नंबर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? यूपी से बोल रहा हूँ। तो जॉइनिंग तुम्हारी वहाँ चेन्नई में होगी ना? क्या बोले सर? हमारी जॉइनिंग तो चेन्नई में होगी ना, हमें तो चेन्नई मिला ना। चेन्नई, तमिलनाडु, अहमदाबाद, ये 3-4 लोगों का ज्वाइनिंग सभी लोगों का हो रहा है। चेन्नई, तमिलनाडु, आप लोगों का ज्वाइनिंग तो चेन्नई होगी, जो प्रोसेस में है जहाँ पे जाएगी। वही तो जो हुआ, तो चेन्नई में होगा तो पैसा यहाँ के देना होगा, वहाँ चेन्नई देना होगा ना सर? सीनियर ऑफिसर डायरेक्ट आपको फोन नहीं कर सकते ना, वहाँ से फोन मुझे आया है, सिर्फ फोन है आपको किया। हाँ, डायरेक्ट जो चेन्नई से आपको थोड़ी फोन आएगा सर। अच्छा, तो वो चेन्नई से आपके यहाँ फोन आया, अगर मतलब हम 15-25 हज़ार के आसपास अगर अमाउंट देंगे तो ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, नहीं तो फिर 8 महीने बाद होगी। जी जी जी, 8 महीने बाद या सेकंड लूजर लिस्ट आएगा, जिसमें सर हो सकता है उसमें भी पेंडिंग डाल दे। जैसे कि होता क्या है, एक मिनट, होता क्या है, जैसे कि सभी लोगों का से हर लड़कों से सीनियर ऑफिसर का कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, सभी लड़कों का लिस्ट हम लोगों को पास आया हुआ है। अच्छा। जैसे कि आप तो देख सकते हो जो भी है मेरे पास सभी लोगों का है, उनका नंबर तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मतलब हो गई हो तो होगी, आपके पास लिस्ट तो आती होगी। हाँ, गीता विश्वार है, सुना है, तमिलनाडु का भी है, कोलकाता का भी है, अहमदाबाद का भी है, ये सारे लिस्ट है। अच्छा। तो सभी लोगों का जैसे कॉन्टेक्ट होता है सीनियर ऑफिसर से, तो आप उन लोगों के बीच में बचाव क्या है, हम जैसे 8 महीने पहले भेज देते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो आप समझ सकते हो आपकी जो भी सैलरी कैलकुलेशन आठ से कर लीजिए। हाँ, आपको 25,000 आ रहा है। अच्छा, तो 25,000 तो, लेकिन तत्काल तो पैसा अभी थोड़ी होगा, अभी तो हम पढ़ने ही वाले स्टूडेंट हैं, फिर थोड़ा तो टाइम लगेगा ही मुझे अरेंज करने में। टाइम जैसे कि आज का ही टाइम हम लोग हर लड़कों से ले रहे हैं, और सर आगे का जो प्रोसेस है आप लोगों का डाल दिया जाएगा ना। अगर आप डायरेक्ट मना करोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट 8 महीने होल्ड हो जाएगा, फिर रोका जाएगा, फिर वेरिफिकेशन में डाला जाएगा,
इसलिए 20 से 25 हजार रुपये आपको खर्च आ रहा है, तो डायरेक्ट अपना काम करवा लीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं कैसे आपसे फिर कॉन्टेक्ट करूँ, जैसे अगर पैसे का रेंज हो जाएगा तो किस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? आप इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आज के ही डेट में आपको अवेलेबल होगा। अच्छा, आप शाम तक मतलब मुझे बता देना होगा किसी तरह। शाम तक बताना नहीं, जैसे घंटे दो घंटे में आपको पिक कर देना होगा, क्योंकि सारे सीट हम लोगों का आ जाएगा ना, सारे लोग का, हर लड़कों से कॉन्टेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ ना। अच्छा, कौन से अकाउंट में भेजना होगा? अगर मतलब पहले जैसे मैं कंफर्म कर लूँ पैसे की, अब तुरंत कैसे दूंगा, तो फिर उस हिसाब से ना तभी तो अरेंज करके फिर भेज दूंगा। कहने मतलब अभी मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ ना, तैयारी करता हूँ, घर बात करूंगा, फिर उस हिसाब से घर वाले तुरंत मतलब जो अगर अरेंज होगा तो फिर अकाउंट में डालूंगा। अकाउंट नंबर वगैरह दे दीजिएगा, आप बात कर लीजिए, फिर हमें आपको कॉन्टेक्ट कीजिए इसी नंबर पे। 15 मिनट के, जी हाँ, 10 से 15 मिनट के अंदर आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, बाकी आगे के लड़के से मैं बात करती हूँ। तो आपने रिकॉर्डिंग इस तरीके से सुन ली होगी, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बी अवेयर, आप लोगों को इस चीज़ों से पूरी तरीके से सावधान रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है इस तरीके की फेक कॉल से, और तुरंत कंप्लेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ अब आपकी बारी है, इस पर्टिकुलर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अनअकैडमी की लिंक है, यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की वीडियो डली हुई है उनका रिव्यू देना अब आपका काम है। तो आप बिल्कुल वॉच कीजिए इन वीडियोज़ पर, अपने अपने रिव्यू दीजिए, जिससे मैं आप लोगों को और बेटर से बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूँ।